कल लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास हाई प्रोफाइल इलाके में रेलवे के एक सीनियर अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। चार घंटे की तफ्तीश के बाद लखनऊ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि रेलवे अधिकारी की पत्नी और बेटे के डबल मर्डर का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग बेटी है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने अपनी ही माँ और भाई को गोली से उड़ा दिया। पुलिस की जांच में डिप्रेशन की थ्योरी सामने आ रही है क्योंकि आरोपी नाबालिग बेटी ने मर्डर से पहले बाथरूम के शीशे पर डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा था। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास डबल मर्डर से लोग अब तक सन्न हैं। लखनऊ के पौश इलाके गौतम पल्ली में मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड से यूपी का पुलिस डिपार्टमेंट भी हैरान है। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलने के बाद लखनऊ के विवेकानंद मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1 के अंदर पुलिस की टीम दाखिल हुई तो सबके होश उड़ गए। बंगले के अंदर एक कमरे में रेलवे के सीनियर अधिकारी की पत्नी और बेटे की लाश पड़ी हुई थी। जिस बंगले में वारदात हुई वो रेलवे के टॉप अधिकारी राजेश दत्त वाजपेयी का है जो रेलवे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात है। मामला हाई प्रोफाइल था इसलिए डीजीपी से लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डॉग स्क्वाड की टीम और पूरा पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। मौकाए वारदात की तहकीकात शुरू हुई तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। सिर्फ चार घंटे की तफ्तीश के बाद लखनऊ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने बताया मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड को परिवार की 15 साल की नाबालिग बेटी ने अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुबिनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा। सनसनीखेज डबल मर्डर में पुलिस का यह खुलासा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हर कोई हैरत में पड़ गया। सबके मन में सवाल थे आखिर 15 साल की बेटी ने अपनी ही मां और भाई को क्यों मारा। शुरू में लगा कि मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की जल्दबाजी में शायद पुलिस से कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब पुलिस ने पूरी कहानी डिटेल में बताई तो एक परिवार के खात्मे की दर्दनाक हकीकत सामने आ गई। पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन दिख रहा है। पुलिस की जांच में जो पता चला वो इस तरह है। 15 साल की नाबालिग लड़की डिप्रेशन में थी और इसी डिप्रेशन में उसने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पर सवाल ये है कि पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि लड़की ने डिप्रेशन में अपनी मां और भाई पर गोली चला दी और उनकी जान ले ली। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। लखनऊ के गौतम पल्ली में विवेकानंद मार्ग पर बंगला नंबर 1 में रेलवे के टॉप अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी मालिनी, बेटा सर्वदत्त और 15 साल की बेटी रहते थे। शनिवार दोपहर करीब 3:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को लड़की की नानी ने दोहरे हत्याकांड की सूचना दी। पुलिस बंगले पर पहुंची तो लड़की सदमे में थी। उसके दोनों हाथों पर धारदार हथियार से खरोंचों के निशान थे। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस ने डॉक्टर बुलवाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। पुलिस बेडरूम में घुसी तो वहां मां बेटे की बॉडी बेड पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को सोते वक्त गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की तहकीकात शुरू की तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जाए। पुलिस वाले नाबालिग बेटी के कमरे में दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे से लेकर बाथरूम तक डराने वाला नजारा था। पुलिस को बाथरूम में .22 बोर की पिस्टल का एक खोखा मिला। पुलिस वालों की नजर बाथरूम के मिरर पर पड़ी तो चौंक गए। बाथरूम में लगे मिरर पर लिखा था डिसक्वालिफाइड ह्यूमन। मिरर पर गोली के दो निशान भी थे। डिसक्वालिफाइड ह्यूमन, पुलिस इन दो शब्दों की थ्योरी को समझने की कोशिश कर रही थी। इस बीच में घर के अंदर रखी डायरी ने डिसक्वालिफाइड ह्यूमन के इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। डायरी घर में मौजूद इकलौती नाबालिग लड़की की थी जो रो रही थी। नाबालिग बेटी की डायरी के डी और एन शब्दों से पुलिस ने पकड़ लिया कि शीशे पर डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि घर की बेटी ही है। पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन दिख रहा है बिकॉज ये बाथरूम में इसने डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा है जो इसका कहना है इसने अपने लिए लिखा और उसमें भी बीच में गोली मारी है शीशे में। वो अभी पहले ट्रिकवर है।
उसके बाद पुलिस ने लड़की से थोड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल कर लिया कि माँ और भाई की हत्या उसने की है। यह घटना गनशॉट इंजरी से हुई थी, दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुबिनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा। माँ और भाई दोनों को गोली मारी है और जो अपेरेंटली उसके निशादेही पर वेपन बरामद हो गया है। पुलिस के लिए इस मिस्ट्री को सुलझाना बहुत मुश्किल था क्योंकि नाबालिग लड़की ने पहले पुलिस को खूब उलझाया। लूट और मर्डर साबित करने के लिए उसने अपने हाथ को काटकर चोट पर बैंडेज लगा लिए थे, लेकिन पुलिस की जांच में कोई भी फोर्स एंट्री घर में नहीं मिली। नाबालिग लड़की ने अपने हाथ को काटा भी था, बाउंस उसमें दिए थे और उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज लगा लिया था ताकि ये लगे कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस को उलझाने के लिए उसने इस नाबालिग बेटी पर भी हमला किया था। उसने सबसे पहले इस हत्याकांड की जानकारी अपनी नानी को दी और ये कहा कि एम्बुलेंस लेकर के घर आइएगा। पहले तो वो लगातार पुलिस के सामने रोती रही, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरीके की फोर्स एंट्री से इनकार किया, इस लड़की के सामने काफ़ी सारे सवाल किए, तो ये लड़की पूरी तरीके से टूट गई और उसने अपने जुर्म को कन्फेस कर लिया। पुलिस को नाबालिग बेटी की हरकतें संदिग्ध लगी और उसके कमरे और बाथरूम में अजीबोगरीब बातें देखी, तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस ने अपने 4 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि नाबालिग बेटी ने ही अपनी माँ की और अपने भाई की बेरहमी से गोली मार के हत्या कर दी। हम इस समय उसी घर में मौजूद हैं और ये ही वो घर है जहाँ पर रेलवे अधिकारी आरडी वाजपेयी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वो फिलहाल दिल्ली में तैनात हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा और उनकी पत्नी इसी घर में रह रहे थे। नाबालिग लड़की के कमरे में हर तरफ चौंकाने वाली बातें दिख रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीर बनाई गई थी। कमरे में डरावनी स्माइली बने हुए थे जिसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस डरावने स्माइली के साथ दीवारों पर कई बातें भी लिखी थी। यही बातें लड़की ने अपनी डायरी में भी लिखी थी। नाबालिग बेटी के कमरे पर रखी मेज पर कंकाल की खोपड़ी का डरावना शोपीस रखा हुआ था जिस पर एक लड़की की तस्वीर दिख रही है। सवाल यह है कि लड़की के पास कंकाल की खोपड़ी वाला शोपीस क्यों था। परिवार और लड़की से पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन किस हद तक का था इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लड़की ने अपने हाथों को धारदार चीज से काट रखा था। बाथरूम में मिरर पर डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखना, कमरे की दीवार पर खून के आंसू वाली स्माइली बनाना, मेज पर कंकाल की खोपड़ी वाला शोपीस और हाथों पर धारदार चीज से अजीबोगरीब बातें लिखना, ये सब कुछ चौंकाने वाला है। जो उसने इमोजी बनाई, जो घर में कंकाल पाए गए, कंकाल का डायग्राम बनाकर और जिस तरह से एक डिसक्वालिफाइड इनह्यूमन लिखा गया, ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि किन्हीं ना किन्हीं एक मानसिक द्वंद से वो जूझ रही थीं। लखनऊ के